हेलो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कुंभ है यानी एक्वेरियस है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर मैं देखूंगी 15 से 30 मई के बीच में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, किसी भी जेंडर के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग आप आराम से देख सकते हैं अगर आपकी राशि कुंभ है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम मेन मैसेज लेंगे, ये सीक्रेट टैरोट डेक है। यहाँ से हम एक मेजर मैसेज लेंगे 15 से 30 के लिए, और यहाँ से हम देखेंगे गॉड की तरफ से आपके लिए कोई गुड लक मैसेज होगा तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे, इसे हम साइड कर देते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, कोई भी नेगेटिव थाट्स अपने मन में ना लाओ। तो ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, ओके, द हाई प्रिस्टेस। ये बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो टैरोट डेक है ना, इनमें सबसे ज़्यादा होलीएस्ट कार्ड ये है। ठीक है, पवित्र है ये, बहुत ज़्यादा पवित्र है। तो आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो गई। ठीक है, तो टेन ऑफ वांड्स, ओके, द फूल। देखो मेजर के नीचे ही ठीक मेजर आ गया है, ओके, द टेम्परेंस। वाओ गाइस, आप लोगों की भाग बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अच्छी होने वाली है 15 से 30 के अंदर। तो देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। द हायरोफेंट, ये भी मेजर अरकाना है। देखो मेजर अरकाना, सिर्फ ये दो माइनर अरकाना आया है, ये भी मेजर है। तो देखो यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात हो रही है, किसी किसी के लिए शादी की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो देख लेते हैं कोई शादी का प्रपोज़ल या फिर कोई फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल जो कि स्टेबल हो, बहुत दिनों तक चले। ठीक है, बहुत दिनों तक ऐसा कोई ऑफ़र आपके पास आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेशन है 15 से 30 के बीच में। तो देखते हैं, फर्स्ट सेशन में आया है द एम्परर। देखो द एम्परर के नीचे ही द फूल है। इसका मतलब है आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, आप खुद से कुछ मत करिए, यही कहा जा रहा है। ऐसा करने की वजह से ही आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, आप जो ये एनर्जी में जाने वाले हो, इसके पास पावर है, पैसा है, अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये जो किंग वाला जो नेचर है ये आपके पास आ जाएगा इसकी वजह से। अगर आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, दिमाग बहुत ज़्यादा ना चलाओ। ठीक है, यही कहा जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फर्स्ट सेशन में आपका हीलिंग होने वाला है। ठीक है, आपका हीलिंग होने वाला है। तो आप ये जो एम्परर की एनर्जी में आप जाने वाले हो, आपके पास पैसा आने वाला है, अथॉरिटी आने वाली है। ठीक है, ओके, द सेकेंड सेशन में मुझे लग रहा है कि द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, तो ऐसी एनर्जी है, किंग किंग की है। ठीक है, आपके पास सच में कोई पावर आने वाला है। ठीक है, आपका कोई पोजीशन इंक्रीज होने वाला है शायद। तो 15 से 30 के जो सेकंड सेशन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पास सच में कुछ अथॉरिटी आपको मिलने वाला है, कुछ पावर आपके पास आने वाले हैं। देखो आपके पास कोई पावर आने वाला है, तो ये जो पोजीशन आपको मिलने वाला है, आपका कुछ काम ऐसा है कि बहुत दिनों से अटका हुआ था, वो भी काम मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका कोई भी ऐसा कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे कि आपको फल नहीं मिल रहा था, ये भी मुझे 15 से 30 के बीच में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सब ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपने आपके 100% दे दिए हैं इस काम में, इसकी वजह से ही आपके पास ये पावर, ये अथॉरिटी आने वाली है। ठीक है, आपका प्रमोशन होने वाला है। ठीक है, आपका बनता हुआ जो बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है,
ये सेकेंड सेशन में होने वाला है, और जो मुझे थर्ड सेशन में मुझे नज़र आ रहा है कि क्योंकि आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, इसके लिए आप द हाई प्रेस्टीज के एनर्जी में चले जाओगे। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा होली एनर्जी है, और यहाँ पर जो टेम्परेंस है आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। आपके 15 से 30 के बीच में जो दिन गुजरेगा ये बहुत अच्छा गुजरेगा। आप अपने मन में फुलफिलमेंट महसूस कर पाओगे, ठीक है। आप जो भी काम करोगे वो बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं बन रहा, ठीक है। अब जिसमें भी हाथ डालोगे वहाँ से काम आपका फल नज़र आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा फल नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हाई प्रेस्टीज की एनर्जी से ये सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा होली एनर्जी है, तो आप भगवान के पास जाकर अपने आपके जो काम अटके हुए थे, जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, आप उसको भगवान के पास कन्फेस करो, आप भगवान से बातें करो, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम आपको है वो आप भगवान को बता सकते हो। इसके वजह से आपके सभी काम बहुत अच्छे से और भी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। आप सुबह उठ के मेडिटेशन भी कर सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन करना सेहत के लिए भी अच्छा होता है और दिमाग के लिए भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर भगवान से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप भगवान को थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करो, ठीक है। मेडिटेशन किया करो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी होने वाली है 15 से 30 के बीच में, ठीक है। तो मैंने बताया था, इसके अलावा भी बॉटम ऑफ द डेक ये आया है द हायरोफेंट। इसका मतलब है आपके पास कोई लव प्रपोज़ल यानी मैरिज प्रपोज़ल कुछ भी आने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एनर्जी निकल के आ गया है आपके लिए, तो चलो देख लेते हैं कि आपके पास कोई, अगर सीक्रेट टैरो डेक से मुझे देखने दो कि कोई अगर मेजर मैसेज होगा तो मुझे मिल जाएगा, कोई अगर मेजर मैसेज होगा तो मुझे मिल जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, समय बता देते हैं। चलो ये वाला लेते हैं। धार्मिक, आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में लगे हो, ये भी मेजर कार्ड है, ठीक है। ये मेजर मैसेज आपके लिए आ गया है, धार्मिक का कार्ड है। देखो, आप ज़्यादा सोचा मत करो, ठीक है। आप अपने दिमाग को मत चलाओ इतना, ठीक है। आप, मैंने आपसे कहा था कि सुबह उठ के मेडिटेशन करो, यहाँ पर देखो मेडिटेशन कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो आप मेडिटेशन किया करो, आपका जो नहीं बनता हुआ जो काम है ना वो बनता नज़र आएगा। 15 से 30 के बीच में आपका बहुत ही अच्छा एनर्जी होने वाला है, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है इस राशि के लिए। 15 से 30 का जो टाइम है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं बाकी सारे राशि के लिए नहीं बता रही हूँ। कुंभ राशि के लिए ये जो 15 से 30 का जो महीना है, 15 से 30 के जो दिन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाले हैं। यहाँ पर आप मेडिटेशन करो, भगवान के साथ कुछ बातें करो, जो आपका मन में है, ठीक है। तो आपका सारे काम मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। आप जिस भी काम में हाथ लगाओगे ना वो काम बनता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। इतनी अच्छी एनर्जी होने वाली है 15 से 30 के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं गॉड के तरफ से आपके पास क्या मैसेज आता है। तो देखो, ओके ओके, द कार एज अ गिफ्ट। देखो, आपके पास शायद कोई आपको कोई कार गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। तो आपके पास आपके पावर, प्रमोशन, ये सारे आने के बाद, ठीक है, आपके पास ये हो सकता है, द कार एज अ गिफ्ट। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बाय।